अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने रंग में वापस आ चुके हैं, लेकिन कहां पर। और इसके अलावा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के ऊपर पीसीबी ने फाइनल डिसीजन जो है वो ले लिया है, तो इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और नया और बड़ा स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है, तो इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो आपका वक्त जाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपडेट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शान मोहम्मद रिजवान जो है जैसे ही अपने फॉर्मेट में वापस लौटे हैं, तो अपने रंग में वापस लौटे हैं। मोहम्मद रिजवान ने इंग्लिश ब्लास्ट के अंदर जो T20 का मैच खेला, उसके अंदर उन्होंने 61 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। इंग्लिश काउंटी के अंदर जो टेस्ट फॉर्मेट की Division 2 के मैचेस हो रहे थे, तो रिजवान थोड़े से ऑफ कलर थे, लेकिन जब वो T20 में आए तो उन्होंने अपनी फॉर्म जो है दिखाई है और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 61 रन बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने। तो इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से कि पीसीबी ने अब फाइनल डिसीजन ले लिया है कि भाई साहब कोई सीरीज जो है वो कैंसल मैंसल नहीं होगी, सीरीज अपने टाइम के मुताबिक होगी। और हालांकि पाकिस्तान का जो तरबीती ट्रेनिंग कैंप है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन दोबारा ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगेगा। तो सीरीज बिल्कुल 8 जून को रावलपिंडी के अंदर होगी और पीसीबी ने अब फाइनल डिसीजन ले लिया है कि कोई रुकावट वाली बात नहीं है। जिस तरह के पॉलिटिक्स के सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी ने क्लियर किया है। और इसके अलावा दोस्तों केपीके के अंदर कलाम क्रिकेट स्टेडियम जो है बनने जा रहा है, 341 कनाल के ऊपर बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है और अगले 2 सालों के अंदर ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। तो ये भी पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आपको बैठे चले गए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।